नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल जीएमडीए की 10वीं बैठक ली। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अध्यक्षता करते हुए 40 मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता मौजूद रहे। जीएमडीए की बैठक में 1800 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बैठक में जल भराव की समस्या को मद्देनजर रखते हुए दो नए ड्रेन के निर्माण कार्य को हरी झंडी दी है। इन दोनों ड्रेन को नजफगढ़ ड्रेन में डाला जाएगा, जिसके चलते शहर के अधिकांश इलाकों में बारिश के दौरान होने वाले जल भराव में काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा सिविल लाइन स्थित सामान्य अस्पताल के निर्माण का कार्य भी जल्द शुरू हो जाएगा। पुराने अस्पताल की इमारत को तोड़ने का 15 दिन का टाइम दिया गया है। मित्रों, आज जीएमडीए की मीटिंग हुई है और ये 10वीं मीटिंग थी जीएमडीए की। इसमें जो 9वीं मीटिंग में कुल मिलाकर के जो एजेंडा था उसको सारे को एक्शन टेकन रिपोर्ट के नाते से बुराया गया। लगभग 40 आइटम्स थी जो 9वीं मीटिंग की थी, और आज भी जो एजेंडा था उसमें मुख्य रूप से SPR जो यहाँ रोड है, जिसका अपग्रेडेशन का विषय पहले भी चला था, आज उसके ऊपर का विचार करके और उसको वाटिका चौक तक, फरीदाबाद रोड से वाटिका चौक तक होते हुए NH 48 तक वो सारा जो है उसका सुधार किया जाएगा और उसको अपग्रेड किया जाएगा। दूसरा जो हमारा ICCC है, जो सिटी का जो एक सर्वेलेंस सारा सिस्टम है, जिसमें 1200 कैमराज तो पहले लगे हुए हैं, उसमें कुछ कैमरे और बढ़ाए जाएँ और कुछ एरिया भी उसमें पटौदी तक खास करके जहाँ जहाँ आवश्यकता लगेगी पुलिस डिपार्टमेंट से बातचीत की गई, ताकि उसके कंट्रोल से बहुत सी चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो उसके विस्तार करने के नाते भी उसको प्रिंसिपली अप्रूव कर दिया है। 2722 सिटी कैमराज जो कुल मिलाकर के हो जाएंगे। इसके बाद द्वारका एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ जो सर्विस रोड बनाने के लिए लगभग 30 किलोमीटर की ये सर्विस रोड बनेगी, प्रिंसिपली उसको भी अप्रूव कर दिया है, ताकि जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार होगी अगले साल तक ये तैयार हो जाएगी, और उसके साथ साथ सर्विस रोड भी वहाँ के जो सेक्टर्स के लोगों को उसका लाभ मिल सके। ये भी दिल्ली बॉर्डर तक हम बनाएंगे, दिल्ली बॉर्डर के आगे दिल्ली सरकार अपने आप बनाएगी, हमारा काम वहीं तक है। बरसाती पानी को रोकने के लिए जल संरक्षण काफ़ी काम पहले हुआ है, इसको और तेज़ी से बढ़ाया जाए ताकि बरसाती पानी को हम वहाँ रोक सकें और रिचार्जिंग जिससे इसके कारण से हो, और यदि उसको हम उपयोग भी कर सकेंगे खेती में अथवा और बाकी चीज़ों के लिए, तो बरसात का पानी जिसके कारण से हमारी पानी की सुविधा है वो अच्छी बढ़ जाएगी। ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए आज हमने योजना दी है। नजफगढ़ ड्रेन का जो विषय बहुत समय से चल रहा है, उसमें एक योजना बना करके MOEF को भेज दी गई है, और वो स्वीकार होते ही उसमें मुख्य बात ये आई है कि दिल्ली के अंदर की जो ड्रेन है, नजफगढ़ ड्रेन, उसकी डीसिल्टिंग एक बड़ा विषय है। लगभग 350 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार उस पर लगाएगी, और उसकी डीसिल्टिंग होती है तो यहाँ का पानी, उसका जो नेचुरल बहाव है, 5 मीटर तक उसका लेवल डाउन है यमुना नदी की बेड का गुड़गांव से, इसलिए स्मूथ पानी जो वहाँ जाएगा, तो उसके साथ साथ Leg 2 और Leg 3 जो ड्रेन्स गुड़गांव में हैं उनको पक्का करके और उसको भी नजफगढ़ ड्रेन में डाला जाएगा, और एक बांध भी बनाया जाएगा जिससे पानी जो है वो गुड़गांव की जमीन जो काफ़ी भर जाती है पानी की, तो पानी गुड़गांव की तरफ ना। जीएमडीए की बैठक में गुरुग्राम के विकास को और गति देने के लिए शीतला माता मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य जल्द शुरू हो उसकी भी रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेस वे पर 30 किलोमीटर सर्विस लाइन बनाई जाएगी। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए शहर भर में CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिन्हें GMDA के कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जाता है। गुरुग्राम के तर्ज पर पटौदी में भी CCTV कैमरे लगाए जाएं और उन्हें इसी कंट्रोल रूम से जोड़ा जाए, इस पर भी मंथन किया गया। लगभग 2700 कैमरे लगाए जाएंगे। बीती देर रात तक चली इस GMDA की बैठक में ऐसे ही 40 मुद्दों पर चर्चा की गई। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।